गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कविता सरकार। आज मैं आपको कक्षा पांचवी का गणित पढ़ाऊंगी। अध्याय दो, संक्रिया की बाकी प्रश्न। नंबर एक, एक कूलर की कीमत 4,350 रुपए है। छात्रावास के लिए 15 कूलर खरीदने पर कुल कितने रुपए खर्च होंगे? आइए इसे सॉल्व करते हैं। एक कूलर की कीमत बराबर 4,350 रुपए, इसलिए 15 कूलर की कीमत बराबर 4,350 गुणी 15। इसे हम गुणा करेंगे। पांच का बड़ा बड़ा कितने बार? शून्य बार। पांच शून्य शून्य। पांच का बड़ा कितने बार? पांच बार। पांच हम 25, 25 का 5 हासिल आई 2। पांच का बड़ा कितने बार? 3 बार। 5 किया 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17, 17 का 7 हासिल आई 1। पांच का बड़ा कितने बार? 4 बार। 5 चौक 20, 20 और 21। अब किसका बड़ा पढ़ेंगे? 1 का। 1 का बड़ा पढ़ने से पहले 0 के नीचे गठबंधन का निशान। 1 का बड़ा कितने बार? 0 बार। 1 0 शून्य। एक पंचे 5, एक पिया 3, एक चौक 4। अब इन सभी को जोड़ देंगे। शून्य का शून्य, 5 का 5, 7 5 12, 12 का 2 हासिल आई 1। एक और 3 4, 4 रे 5, 2 और 4 6। कितना आंसर आया? 21, 22, 27, 1000, 10000, 65,250। आंसर बराबर 15 कूलर खरीदने पर 65,250 रुपए खर्च होंगे। नंबर दो, एक साइकिल की कीमत 1,975 रुपए है। हाई स्कूल की 217 छात्राओं के लिए साइकिल खरीदने के लिए कितने रुपयों की जरूरत होगी? आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। एक साइकिल की कीमत बराबर 1,975 रुपए, इसलिए 217 साइकिल की कीमत बराबर 1,975 गुणी 217। सात का बड़ा कितने बार? 5 बार। 7 पंचे 35, 35 का 5 हासिल आई 3। साथी साथी 49, 49 में 3 जोड़ेंगे तो 52, 52 का 2 हासिल आई 5। सात का बड़ा कितने बार? 9 बार। 7 नियम 63, 63 में 5 जोड़ेंगे तो 68, 68 का 8 हासिल आई 6। सात का बड़ा कितने बार? 1 बार। 7 का 7, 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13। अब किसका बड़ा पढ़ेंगे? 1 का। 1 का बड़ा पढ़ने से पहले 5 नीचे गठबंधन का निशान। 1 पंचे 5, 1 सत्ते 7, 1 नियम 9, 1 एकम 1। अब किसका बड़ा पढ़ना है? 2 का। 2 का बड़ा पढ़ने से पहले 2 गठबंधन का निशान। 2 पंचे 10, 10 का 0 हासिल आई 1। 2 सत्ते 14, 14 और 15, 15 का 5 हासिल आई 1। 2 नियम 18, 18 और 19, 19 का 9 हासिल आई 1।
रुपयों